सिलादेही में शिवराम बाबा जी का रायगढ़ से आगमन में निकली भव्य कलश यात्रा। सिलादेही में हंसदेव नदी के किनारे 7 वर्षों से साधना में लीन शिवराम बाबा जी के रायगढ़ से आगमन पर भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। इसमें पुलिस प्रशासन, बजरंग दल, महिला कमांडो और ग्राम के जनप्रतिनिधि के साथ साथ युवा साथी का विशेष सहयोग रहा एवं 3 दिवसीय भव्य मेला महोत्सव का आयोजन रखा गया, जिसमें रामायण एवं मेला का आयोजन रखा गया, जिसमें मनोरंजन के लिए आकाश झूला, डिस्को झूला, मीना बाजार, सिनेमा हॉल इत्यादि आए हुए हैं। इसमें समितियों द्वारा बताया गया कि यह मेला प्रथम वर्ष हो रहा और आने वाले समय में यह मेला हर वर्ष होगा और साथ ही साथ यह मेला हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत सिलादेही बजरंग चौक में महिला कमांडो को 87 महिला कमांडो को आईडी कार्ड वितरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री बालेश्वर साहू, अध्यक्षता महिला कमांडो अध्यक्ष श्रीमती मोहन कुमारी साहू, विशिष्ट अतिथि जनपद उपाध्यक्ष बाबा राम जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेला राम कश्यप की खास रिपोर्ट। श्रीमती मोहन कुमारी साहू, जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 सिलादेही से हूँ और महिला कमांडो की जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे शिवराम बाबा जी को 7 वर्ष पूर्ण हो जाने पर हमारे ग्राम पंचायत की सहयोग से और समस्त ग्रामवासी की सहयोग प्रदान से आज 3 दिवसीय का भव्य मेला का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मैं समस्त ग्रामवासी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ग्राम पंचायत के सरपंच को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। यह कार्यक्रम हम सब का कार्यक्रम है और महिला कमांडो के समस्त बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, यहाँ के मातृशक्ति को धन्यवाद देती हूँ कि आज का कलश यात्रा को सफल बनाए हैं और भारी संख्या में कलश लेकर शोभा यात्रा का शोभामान बढ़ाए हैं। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सेतु बांध का वर्णन किया तो सभी बानर सेना ने मिलकर सेतु बांध किए, उसी तरह आज यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी ने सहयोग प्रदान किया है। सेतु बांध की तरह तत्काल 2 दिवस में हमारे यहाँ पे रोड का निर्माण हुआ है, कच्ची रोड है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासी को। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय शिवराम बाबा जी, जय सत्यनारायण बाबा जी। बोले जय सियाराम। जय सियाराम। मैं पंडित विनोद कुमार दुबे, भागवताचार्य, ग्राम सिलादेही। आज बहुत हर्ष की बात है कि शिवराम बाबा जी जो पिछले 7 वर्षों से हंसदेव नदी के पावन तट पर सती मैया जहां पर विराजित हैं उसी के बगल में विराजित थे और किसी कारणवश बाबा जी रायगढ़ चले गए थे। हम ग्रामवासियों के उनके बिना सूना लगा, क्योंकि शास्त्र कहता है मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत चलते फिरते स्वयं तीर्थ हैं और बाबा जी हमारे बीच से चले गए थे तो हम समस्त ग्रामवासियों को बहुत सूना लग रहा था। तो हमारे गांव से सरपंच के सहित जो प्रमुख जन हैं गणमान्य नागरिक को गए बाबा जी से निवेदन किए कि बाबा जी आपके बिना हमारा गांव सूना है, आप पुनः वहां पर जा करके हमारे गांव को पुनः पावन करिए। और बाबा जी ने हम सबका निवेदन स्वीकार किया और आज उनके आशीर्वाद से आज उनका शुभ पदार्पण हुआ है। भव्य कलश यात्रा के साथ हमारी समस्त माता बहनें उनका स्वागत की हैं और इस भव्य कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया और आप सभी मीडियाकर्मी और ग्राम के समस्त युवक भाई, बजरंग दल इत्यादि सब ने सहयोग किया और आप सभी के सहयोग से, मातृशक्तियों के सहयोग से यह भव्य कार्यक्रम सफल हुआ और आज से 3 दिवस पर्यंत यह मेला का आयोजन रखा गया है। और यदि भगवान ने चाहा और समस्त जनताओं का सहयोग रहा तो ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन यह मेला और आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सियाराम। मैं ग्राम पंचायत सरपंच सिलादेही और मैं तो इस भव्य जो रैली जो कलश यात्रा का जो गया, मैं तो माता बहनों को पहले तो मैं प्रणाम करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को बहुत बहुत सुंदर से सफल किए और हमारे शिवराम बाबा जी हमारे इस मंच में हमारे उसके स्थान में आज आए हैं, उनको लाए हैं और उसके स्थान को ग्रहण कराए हैं और हमारे गांव के जितने भी सदस्य और हमारे हमारे जो मैडम बीडीसी
मोहन कुमारी साहू जी, वो उनके भी बहुत ही सहयोग था कि जो हमारे इस जगह जो समय दिए हैं, और साथ ही साथ बाबा जी का जो स्वागत है वो अच्छी तरह से हुआ। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे इस ग्राम सिलादेही का एक विकास और एक नया एक इतिहास हो गया। नया इतिहास इसलिए कि हमारे बाबा जी एक 7 साल से बैठे हुए थे, कुछ कारणवश चले गए थे, हमारे जानकारी में नहीं था। कुछ दूसरे दिन पता चला कि बाबा शिवराम जी रायगढ़ में रहते हैं, तो हम लोग शीघ्र ही वहाँ गए और उनको जाकर मौखिक अपने बात रखे वहाँ पे, और शिवराम बाबा जी बोले कि मैं वहाँ से आया हूँ, लेकिन आप लोग यदि गांव वाले लोग चाहते हैं तो मैं पुनः मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ। और शिवराम बाबा जी के आदेश को लेते हुए हम लोग तुरंत तत्काल उनसे हम लोग समय लिए, और आज हम लोग उनको भव्य रैली कलश यात्रा के साथ उनको जगह पे स्थापना करवाए हैं। और साथ ही साथ हमारे जो इस ग्राम के जितने भी पंच भाई भी का बहुत बहुत सहयोग था, तभी हम लोग जाकर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। अरे मेला अपने यहाँ 3 दिन का है, 19, 20, 21 का। यदि गांव वाले और आसपास के जैसे माहौल देखते हुए भीड़ भाड़ रहा, बढ़ सकता है वो समय, आगे लिया जा सकता है 2 दिन और लिया जा सकता है।